ये बड़ी खबर बताएं से यार, ये जहां सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनकी पत्नी और मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें ट्रिपल मर्डर की वारदात से थर्रा गया है पूरा बदायूं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के थाना और सहायत क्षेत्र के गांव सदरा में राजनीतिक रंजिश के चलते सोमवार देर शाम एक ही परिवार से सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शारदा और मां शांति देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें सनसनीखेज वारदात से सारे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के पीछे राजनीतिक पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर बदायूं पुलिस के आला अफसर मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मामला पूरा बदायूं के थाना उसहेड क्षेत्र के गांव सतरा में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की वारदात से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है। मौके पर गांव में पुलिस व पीएससी तैनात कर दी गई है। वहीं सफाइयों में रोष व्याप्त है। तीनों शवों को बदायूं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको न्यूज 9 नेटवर्क पर, जहां बदायूं में सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख व उनकी पत्नी और मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जनपद बदायूं के थाना उसहेड के अंतर्गत सतरा ग्राम के निवासी राकेश गुप्ता 63 वर्षीय और उनकी पत्नी तथा उनकी माता की कल शाम उनके घर में अलग अलग शव कमरों में पाए गए थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में मृतक के भाई राजेश गुप्ता ने थाना उसहेड पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें पूर्व की रंजिश चली आ रही सथरा गांव के निवासी रविंद्र दीक्षित पुत्र रामदीन, सार्थक दीक्षित पुत्र रविंद्र दीक्षित और उनके बेटे अर्चित दीक्षित को 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत तथा एक विक्रम और बिक्री विक्की उसी गांव का निवासी है, इनको मुख्य रूप से नामित करते हुए दो अज्ञात युवकों के साथ अभियोग पंजीकृत कराया है। इस FIR में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्य जो नामित अभियुक्त हैं रविंद्र दीक्षित और उनके पुत्र सार्थक दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पे तीन शस्त्र घटना में प्रयुक्त बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में शेष जो अभियुक्त हैं उनके लिए SOG की और थाने की और अन्य टीमें गठित कर दी गई हैं। जो भी इसमें इस घटना में इन्वेस्टिगेशन और साक्ष के दौरान जो अपराधी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।